एमसीक्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो लेट डिस्कस फर्दर। वेलकम टू आर्बिट्ररी अंकित, स्वागत है आपका। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इन, ठीक है, मैकबेथ किसकी वाइफ रहती है, ठीक है, मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या रहता है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि कॉर्डेलिया डेस्टिमोना या क्लिपर्निया, ठीक है, तीनों ही गलत हैं। मैकबेथ की वाइफ का नाम ही नहीं बोला गया, हर जगह से लेडी मैकबेथ और कुछ राइटर्स उन्हें फोर्थ विच भी कहते हैं। क्या क्लियर है क्या, ठीक है। और जो अन्य जो लड़कियों का नाम दिया गया है वे कौन है, कॉर्डेलिया में पता है किंग लियर की बेटी रहती है, क्लोपर्निया वाइफ रहती है सीजर के, जूलियस सीजर अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा ये सीजर की वाइफ रहती है, मना करती है सीजर को कि बाहर ना जाओ, मार दिया जाता है, जबकि डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ थी, ठीक है। 357 नंबर क्वेश्चन है। ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो अटर दिस वर्ड्स, हैमलेट बोलता है, ये उसकी सॉलिलॉक्य है, ठीक है, उसको ना हर चीज़ ना यूजलेस अनुपयोगी दिखाई पड़ती है, ठीक है, तो वो ये बातें बोल देता है कि जो भी हो रहा है ना मतलब यूजलेस है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। विच वन ऑफ फेमस फॉलोइंग थिएटर कंपनी वॉज ऑन्ड बाई शेक्सपियर, वेयर हिज मास्टर पीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, तो ग्लोब थिएटर, ठीक है, ग्लोब थिएटर किसका थिएटर था, विलियम शेक्सपियर का, ये लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन एक कंपनी थी, मतलब ये एक्टर्स थे उनकी कंपनी थी, उन्होंने इसमें ग्लोब थिएटर पर क्या कर लिया था, विलियम शेक्सपियर ने कुछ पार्टनरशिप कर लिया था, ठीक है, तो उनका ये थिएटर था, लेकिन ये जल गया था जब हिंदी एड परफॉर्म किया जा रहा था, तो 1613 में क्या हो गया था, ये जल गया था, क्लियर है। शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर किसने रखा है, ये देखते हैं, विलियम शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडी लिखा करते थे, जबकि कॉमेडी ऑफ मैनर लिखने का कार्य था किसका, विलियम कॉन्ग्रीव का, ठीक है, विलियम कॉन्ग्रीव का अगर आपने एक वर्ड प्ले पढ़ रखा है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो कॉमेडी ऑफ मैनर में ही लिखा है, क्लियर है। उसके बाद कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन लिखते थे, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एक वर्क है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। और सेंटिमेंटल कॉमेडी कौन लिखता था, ओलिवर गोल्डस्मिथ लिखते थे, और एक और राइटर थे रिचर्ड सेल्डन, ये दोनों मिलकर क्या लिखते थे, सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखते थे, लेकिन रोमांटिक कॉमेडी के लिखने का कार्य शेक्सपियर ने ही शुरू किया था। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्टेटफोर्ड ऑन एवन, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि हर जगह स्टेटफोर्ड अपॉन एवन है, अपॉन का प्रयोग किया गया है, जबकि एवन एक नदी है, ठीक है, स्टेटफोर्ड एक शहर का नाम है, जैसे हम देवरिया में रहते हैं और देवरिया गंडक नदी के किनारे, वैसे स्टेटफोर्ड है ये एवन नदी के किनारे, ठीक है, तो ऑन एवन है, वार्विक शायर क्या हो गया, वहाँ का एक बड़ा सिटी हो गया, जैसे यहाँ का गोरखपुर हो गया ना वैसे, और इनका जन्म कब हुआ था, 26 अप्रैल 1564 को, एंड हिज डेथ ऑन 23 अप्रैल 1616 को, 52 की एज के में क्या हो गए थे, मर गए थे। और बॉडीज आर आवर गार्डन टू विच आवर विल्स आर गार्डनर, ये इयागो बोलता है, ठीक है। पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपने पढ़ रखा होगा तो पता होगा पोर्सिया कौन है, ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये हीरोइन रहती है। दिस लाइन इज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिटी वेराइटी ऑकर्ड इन एंटोनियन क्लियोपेट्रा, ठीक है, ये एक रोमन प्ले है, हिस्टोरिकन प्ले है, मैं क्लियोपेट्रा के बारे में लाइन कही जाती, जब सीजर आई थिंक सीजर और एंटोनी बात कर रहे होते, ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता में मार देता उसको,
इयागो भड़काता है उसको और वो मार देता है, ठीक है। बाद में इमिलिया जो कि इयागो की वाइफ है वो बताती है कि डेस्टिमोना तो फेथफुल थी, ये इनका मेरा जो पति है ना वही ख़राब इंसान था, उसने भड़काया, ठीक है। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर ट्रेजेडी? एसी बार्डले। एसी बार्डले ने एक बुक लिख रखा था सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में। ये क्या थे, फेमस क्रिटिक थे इंग्लिश लिटरेचर में, एसी बार्डले। विद दिस की कीमिन सोनेट्स शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट दिस वर्ड आर फ्रॉम, कहने का मतलब है ना विलियम शेक्सपियर जितना ज़्यादा फेमस है अपनी प्लेज के लिए उससे कहीं ज़्यादा और उतना ही फेमस है किस लिए, अपनी पोएट्री के लिए। सोनेट्स, वीनस एडोनस, रेप ऑफ लिक्रिस और भी कुछ है आई थिंक, है ना। तो ये है, तो विलियम शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा स्कॉर्न नॉट द सोनेट, उसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर की तारीफ की थी, वहीं पर ये लाइन लिखी होगी। क्या क्लियर है? चूज द वन दैट डज नॉट मैच गोंडेल किंगलियर, शीना, जूलियस सीजर, टच स्टोन एज यू लाइक इट, बट गोबो। गोबो नहीं है, गोबो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, ठीक है, ट्वेल्थ हाइट में नहीं है। सर टोबी ब्लेच इज द कैरेक्टर इन द ट्वेल्थ नाइट। सर टोबी ब्लेच एक फनी कैरेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक फनी कैरेक्टर है, क्लियर है। तो ये किसमें है, ट्वेल्थ नाइट में, एज यूजुअल में है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियरियन ओपन्स विद द लाइन वेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन द थंडर लाइटनिंग और इन द, ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। थ्री है अगेन, फिर मिलना है, थंडर लाइटनिंग एंड देन, तो कौन है, विच इज़ है तीनों, तो कहाँ से आएगा, मैकबेथ से आएगा। अरे शुरुआती लाइन है, ठीक है, पहली बात होती है, चुड़ैले होती हैं, घूमती रहती हैं एक बर्तन के पास, पता नहीं क्या डालती रहती हैं, मैजिक होता रहता है। आप बहुत मज़ेदार कहानी पढ़ना कभी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाई शेक्सपियर, ठीक है, टेम्पेस्ट लिखा है, जूलियस सीजर लिखा है, हैमलेट लिखा है, बट डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हैप उन्होंने नहीं लिखा है। ये किसने लिखा है, कि स्कॉटिश राइटर थे, ठीक है, रॉबर्ट लुइस, उन्होंने ये लिख रखा था, ये 1886 में पब्लिश हुआ था, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बाई शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम इन वर्जीनिया वुल्फ नॉवेल्स, मिस्टर डालोवे। ए म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये आई थिंक स्टार्टिंग लाइन ट्वेल्थ नाइट की, मे बी ट्वेल्थ नाइट, हाँ ट्वेल्थ नाइट की स्टार्टिंग लाइन है यही। इफ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले ऑन, तो ये ना वर्जीनिया वुल्फ ने अपने एक वर्क मिसेस डालोवे, अगर आपने पढ़ रखा है मिसेस डालोवे क्या है, तो आई थिंक ये क्या है, चलिए फिर कभी बाद में बात करते हैं, अगर याद आता है तो बताते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जी हाँ याद आ गया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर लिखी गई बेस्ट वर्क है ये अभी तक ऑल टाइम का, क्या है, मिसेस डालोवे। इन शेक्सपियर मैकबेथ हु वाज अनटाइमली रेप्ड फ्रॉम हिज मदर वोम्ब मैकडफ, ये कह रहे हैं ना कि वो कौन होता है ना जो मतलब अनटाइमली निकलता है, उसको ऑपरेशन से निकाला जाता है, वो नॉर्मली जैसे डिलीवरी होती है वैसे नहीं निकला है, तो उसने अपने माँ के कोख से जन्म ले लिया, ठीक है, पेट को चीरकर सर्जरी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तभी तो वो एक रीज़न बनाएगा जो मैकबेथ को मारा जा सके। विच शेक्सपियर प्ले हैज़ अ मास्क इन इट, द टेम्पेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा यह क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जी आई सी लेक्चर 2017 में क्वेश्चन आया था। शेक्सपियर मेजर्स फॉर मेजर इज अ डार्क कॉमेडी, क्लियर है, डार्क कॉमेडी। इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट द ट्विन ब्रदर्स ऑफ वायला इज सेबेस्टियन, सेबेस्टियन वायला भाई बहन रहते हैं पर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, दाढ़ी मूछें हटा दीजिए तो वायला सेबेस्टियन लगेगी, और सेबेस्टियन की दाढ़ी मूछें हैं तो सेबेस्टियन ही लगेगा। हु रोट द एसे एंटाइटल्ड ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ इन मैकबेथ, थॉमस डी क्विंसी ने एक वर्क लिख रखा है, ठीक है, इससे शेक्सपियर पर क्रिटिसाइज किया गया है, तो
1826 में ये वर्क आया था। ओवरऑल लेट्स डिस्कस फर्दर